वेलकम टू अवर चैनल लॉ एक्सेल्स में। आज हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में सेक्शन 20 को कवर करेंगे। सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अब हम आर्बिट्रेशन कहाँ करेंगे, यानी कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1, द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन। अगर बात करते हैं पार्टीज की, तो पार्टीज क्या है, फ्री हैं कि वो किसी भी जगह को क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन प्लेस डिसाइड कर सकते हैं अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में। देखिए, हल्का सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बट समझाऊंगा बाद में। देखिए, प्लेस में सीट एंड वेन्यू भी आता है, यानी कि प्लेस के अंदर क्या है, सीट है एंड वेन्यू है। अब ये दोनों चीज़ क्या है, सीट क्या है, वेन्यू क्या है, इसका थोड़ा सा वेट करें। सेक्शन 20 सब सेक्शन 2, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। अगर बात करते हैं, पार्टीज ने कोई भी प्लेस हमारी क्या करी, डिसाइड नहीं करी, क्लियर, अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं कर रखी, तो कहाँ होगा आर्बिट्रेशन? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डिसाइड करेगी क्या, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी मनमर्जी की प्लेस डिसाइड कर देगी? नहीं, सर्कमस्टांसिस ऑफ केसेस को देख के, यानी कि केस के सारे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए और पार्टीज की क्या कन्वीनियंस को देखते हुए क्या करेगी, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन को क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सबसेक्शन 3, नॉट विद स्टैंडिंग सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे अनलेस द अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज मीट एट एनी प्लेस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमंग इट्स मेंबर्स फॉर हियरिंग विनर्स एक्सपर्ट्स और द पार्टीज और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स गुड्स और अदर प्रॉपर्टी। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज मीट एट एनी प्लेस, यानी कि पार्टीज क्या कर सकती है, किसी भी जगह मिल सकते हैं, प्लेस क्या हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है, मीट एट एनी प्लेस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर द कंसल्टेशन, जो कंसल्टेशन के लिए क्या है, प्लेस वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, क्लियर, अमंग इट्स मेंबर्स फॉर हियरिंग विनर्स एक्सपर्ट्स और द पार्टीज और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो पार्टी से किसी भी जगह पे क्या कर सकती है, आर्बिट्रेशन को कंडक्ट करवा सकती है, किसी भी जगह मिल सकती है, जो क्या होगी, जगह अप्रोप्रिएट होगी किस चीज के लिए, कंसल्टेशन के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, लाइक दैट, क्लियर। अब हमने सेक्शन 20 को बेरिट से तो कंप्लीट कर लिया, बट सिर्फ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन बेरिट से पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन को लेके काफी सारे डाउट्स आए और उस पर काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट आए, तो उन सब का पढ़ना एग्जाम्स के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चन वॉज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट एज टू वट वुड बी द इफेक्ट इफ द पार्टी डिसाइड टू हैव अ सीट आउटसाइड इन इंडिया। अगर पार्टी ने सीट इंडिया से बाहर की डिसाइड कर ली, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग 2002, इंपॉर्टेंट केस है, कई बार सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये केस किससे रिलेटेड है, क्लियर। तो ये किससे रिलेटेड है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन से, सेक्शन 20 से, और ये केस किसका केस है, आर्बिट्रेशन का केस है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो स्टूडेंट ध्यान रखें। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेड 2004 SCC 105 3 जजेस बेंच वॉज हेल्ड दैट इफ द सब्जेक्ट मैटर इज इन इंडिया देन द इंडियन कोर्ट विल हैव द ज्यूरिडिक्शन इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में कहा गया, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेज बल्क ट्रेडिंग में कहा गया, 3 जजेस बेंच केस था ये, इस केस में कहा गया अगर सब्जेक्ट मैटर इंडिया का है तो इंडियन कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, क्लियर, इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया, यानी कि पार्टी ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में सीट डिसाइड करी है आउटसाइड द इंडिया, तब भी इंडियन कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, अगर सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंडिया का है, क्लियर। इन द केस ऑफ वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग वर्सेस सत्यम कंप्यूटर्स 2004 SCC 190, द सुप्रीम कोर्ट अगेन क्लैरिफाइड दैट इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया
यानी कि जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो आउटसाइड इंडिया डिसाइड कर दी पार्टीज ने, इंडिया स्टिल द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव द ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए, वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग वर्सेस सत्यम कंप्यूटर 2008 के केस में क्या हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन क्लैरिफाई करा था क्या कि अगर पार्टीज ने क्या डिसाइड करी है, जो आर्बिट्रेशन की सीट है वो कहाँ डिसाइड करी है, आउटसाइड इंडिया डिसाइड कर दी, तब भी इंडियन कोर्ट्स का क्या रहेगा, ज्यूरिडिक्शन रहेगा। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट इन द केस ऑफ भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को वर्सेस केसर एल्युमिनियम 2012-9 SCC 648, 5 जजेस बेंच क्लैरिफाइड दैट अ लिटिल इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन एंड द इंडियन कोर्ट वुड नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। तो इसमें एक लिटिल इंटरप्रिटेशन दिया भैया, क्या 5 जजेस बेंचेस केस था ये, इसमें बाल्को वर्सेस केसर एल्युमिनियम में क्या हेल्ड हुआ था 2012 में, जो इंडियन कोर्ट्स है उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, कब, इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया, यानी कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, आउटसाइड इंडिया डिसाइड करेगी पार्टीज ने, तो इंडियन कोर्ट्स का कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। क्लियर, इससे ऊपर वाले दो केसेस में हमने क्या देखा कि कोर्ट्स का क्या होगा, इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन होगा इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। बट बाल्को वर्सेस केसर एल्युमिनियम 2012 में कहा गया इंडियन कोर्ट्स वुड नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। तो बाल्को में क्या कहा गया था कि आर्बिट्रेशन की जो प्लेस है अगर आउटसाइड इंडिया है तो इंडियन कोर्ट्स का क्या नहीं होगा, ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। बट देयर आफ्टर एन अमेंडमेंट वॉज मेड विच प्रोवाइड दैट द सेक्शन 9, 27, 37 वुड स्टिल बी अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ICA मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो देखिए, अमेंडमेंट में कहा गया कि जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 27 है, सेक्शन 37 है, वो क्या है, वो अवेलेबल है किस केस के लिए भी, इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी क्या करेंगे, ये एप्लीकेबल होते हैं सेक्शंस, इवन इफ द प्लेस इज आउटसाइड इंडिया, अगर प्लेस आउटसाइड इंडिया भी है तो सेक्शन 9, सेक्शन 27, सेक्शन 37 क्या होते हैं, अवेलेबल है और ये क्या होंगे, अप्लाई होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, दिस थ्री सेक्शन वुड स्टिल बी अप्लाइड इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। बाल्को में ये भी कहा गया ये जो तीन सेक्शन है, सेक्शन 9, सेक्शन 27, सेक्शन 37, ये अप्लाइड करे जाएंगे अगर आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया भी है तो भी क्या होगा, इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन होगा, सिर्फ किन सेक्शंस पे, थ्री सेक्शंस पे। क्लियर, 9, 27, 37। बट द प्रोविजो एडेड बाय द अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड दैट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है टू द कॉन्ट्रारी इवन दे वुड नॉट अप्लाई, तब इस सिचुएशन में अगर कोई भी एग्रीमेंट है और वो क्या है, कॉन्ट्रारी है, तो ये अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द केस ऑफ BJS HGS SOMA JV वर्सेस NHPC लिमिटेड 2020-4 SCC 234, इट वॉज हेल्ड दैट द वर्ड प्लेस, अब यहां समझना ध्यान से, द वर्ड प्लेस कैन बी फर्दर क्लैरिफाइड विद द वर्ड सीट एंड वेन्यू, यानी कि प्लेस में क्या है, सीट भी है, वेन्यू भी है। अब सीट क्या होती है, वेन्यू क्या होती है, देखते हैं। सीट वुड बी फिक्स्ड प्लेस, सीट क्या है, एक फिक्स्ड प्लेस है, एंड द वेन्यू वुड बी फ्लेक्सिबल प्लेस, और वेन्यू को क्या कहा गया है, फ्लेक्सिबल प्लेस कहा गया है, किस केस में, BJS SGS SOMA JV वर्सेस NHPS लिमिटेड 2020। क्लियर, इफ, अब सीट को देखना, जहां सीट होगी वहां ज्यूरिडिक्शन होगा, जहां वेन्यू होगी वहां कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वहां ज्यूरिडिक्शन हो। क्लियर, अगर फॉर एन एग्जाम्पल बॉम्बे सीटेड आर्बिट्रेशन है तो बॉम्बे कोर्ट के पास क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा। क्लियर, बट अगर वेन्यू हमारा बॉम्बे है और हमारा दिल्ली सीटेड आर्बिट्रेशन है तो जरूरी नहीं है कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही, बॉम्बे ही आर्बिट्रेशन होगा, क्योंकि हमारा क्या है, दिल्ली सीटेड आर्बिट्रेशन और वेन्यू क्या है, बॉम्बे है। क्लियर, ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको क्लेरिफाई कर दिया। इफ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया, अगर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में है, देन इंडियन कोर्ट विल हैव ज्यूरिडिक्शन, तब इंडियन कोर्ट का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा। अगर सीट इंडिया की है तो इंडिया कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा डिस्प्यूट पे। क्लियर, बट इफ द सीट, अगर सीट कहां है, आउटसाइड, अगर सीट क्या है, आउटसाइड द इंडिया, देन द इंडियन कोर्ट्स विल हैव नो ज्यूरिडिक्शन, यानी कि इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। तो सीट पे आप ध्यान रखना, इंडियन सीट,
इंडियन कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, आउटसाइड ही है तो इंडियन कोर्ट्स का कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, क्लियर। इट इज नॉट द वेन्यू दैट वुड गिव द ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि क्या सीट हमारा क्या नहीं है, वेन्यू नहीं है। प्लेस इंक्लूड टू टर्म्स, सीट एंड वेन्यू। सीट क्या होती है, फिक्स प्लेस। वेन्यू क्या होती है, फ्लेक्सिबल प्लेस। तो जहां सीट वहां ज्यूरिडिक्शन, बट जहां वेन्यू है वहां मैंडेटरी नहीं है, वहां का ही क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, क्लियर। दैट वुड गिव द ज्यूरिडिक्शन। सो इवन इफ द सीट इज इन इंडिया, अगर सीट कहां है, इंडिया में है, एंड द वेन्यू इज आउटसाइड द इंडिया, अगर वेन्यू क्या है, आउटसाइड द इंडिया है, देन द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव ज्यूरिडिक्शन। यानी कि क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड बी है, उनकी सीट कहां है एग्रीमेंट में, इंडिया। सीट कहां है, इंडिया में, तो इंडियन कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, क्लियर। अगर उन्होंने वेन्यू आउटसाइड द इंडिया भी रखा है, तब भी उनका क्या होगा, इंडियन कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, क्लियर। एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझते हैं, ए एंड बी है, ए एंड बी ने क्या है, क्या कहा है, उनकी सीट क्या है, बॉम्बे सिटी आर्बिट्रेशन है, तो बॉम्बे कोर्ट का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा। और उन्होंने वेन्यू क्या डिसाइड करा अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, कहा मलेशिया, लंदन, थाईलैंड, तो देखिए वेन्यू कहीं और है, यानी कि वेन्यू इंडिया में नहीं है, तब भी इंडियन कोर्ट्स का क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन होगा, क्लियर। होपफुली आप सभी को टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आती, देखिए ये प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, अगर वीडियो एक बारी में नहीं समझ आ रही तो दोबारा वीडियो को आराम से समझने की कोशिश करें। अगर तब भी नहीं समझ आती, कोई भी डाउट आता है, देखिए ऐसा तो नहीं है कोई भी पॉइंट समझ, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पॉइंट समझ ना आए, अगर किसी पॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे shubham.dobal.22 में DM कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या पॉइंट समझ नहीं आया, तो उस टॉपिक को मैं सेपरेटली आपको समझा दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर दीजिए, मैं आपको वहां एक छोटी सी क्लिप में समझा के पर्सनली आपको भेज दूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस।